الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد आठवें पारे का खुलासा और इस पारे के शुरू में लोगों की जहालत के बारे में जिक्र है कि ये जहालत ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को हिदायत से महरूम कर सकती है। फरमाया ये जो काफिर लोग हैं या जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता नहीं हैं, उनके सामने अगर आसमान से फरिश्तों को भी नाजिल कर दिया जाए और मुर्दे उनसे बातें शुरू कर दें और हर चीज़ उनके लिए ज़ाहिरन खुल के आ जाए, फिर भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि ये जाहिल लोग हैं। जहालत अल्लाह ताला ने उनकी बयान की जो उनके एराज़ का सबब था। और इस पारे का जो आखर है उसमें फरमाया कि कुछ लोग आप पर ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, लेकिन आपने सब्र से काम लेना है और अपनी दावत को जारी रखना है। अब ये पारा बुनियादी तौर पर इस मुतालिक है कि एक दाई, एक दावत देने वाला, एक मुबल्लिग और एक आलिम जो है, उन्होंने इन तालीमात को देखना है कि कैसे वो दावत दे, क्या उसके आदाब होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसने मलहूज़े खातिर रखनी हैं अपनी दावत के दौरान। जैसा कि अंबिया की भी यही दावत थी और जो उलमा और वाइजीन और मुबल्लिगीन हजरात होते हैं वो भी अंबिया के वारिस होते हैं। इसलिए फरमाया कि उनके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि वे नेक लोगों के साथ ताल्लुकात को कायम रखें, जो नेक हैं सालिहीन लोग हैं उनको करीब रखें। इसलिए कि ज़्यादातर यही होता है और अल्लाह ताला का ये ऐलान भी है कि हर नबी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ये मुसलमा कानून है कि शैतानों, बेशक वो इंसान हो या जिन हो, उन्होंने उनकी दुश्मनी करनी है, नबियों के ख़िलाफ़ जाना है। और दूसरा फरमाया कि तादाद मतलूब नहीं है बल्कि मेयार मतलूब है। अगर थोड़े होंगे और पाक होंगे, मज़बूत होंगे, तो वो बेहतर है इससे कि बहुत ज़्यादा हों और खोखले हों। तरमन फिल अर्दी युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह। और ये बड़ी नसीहत है कि अक्सर लोगों को सिर्फ देख लिया जाए कि जिस तरफ अक्सर जा रहे हैं उसको करो, तो फरमाया अक्सर लोग तो गुमराह होते हैं, अक्सर लोग तो बग़ैर अकल के फ़ैसले करने वाले होते हैं। और फिर फरमाया मन चाही ज़िंदगी से बचना, अल्लाह ताला की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना, इसलिए कि वह इन कसीर अल्ला युदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैर इल्म। अक्सर लोग क्या होते हैं कि अपनी ख्वाहिश को अपना नस्बुल ऐन बना देते हैं और उसके पीछे चलते हैं। एक दाई और आम लोगों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि वो अपना नस्बुल ऐन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक रखे। और फिर फरमाया तन्हाई हो या ज़ाहिर लोगों के सामने हो, इंसान को हर गुनाह से बचना चाहिए। वज़रू ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, छुपे हुए हों लोगों की नज़रों से तो ओझल हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला की नज़र से कोई ओझल नहीं हो सकता। तो अपनी तन्हाई को पाक करें और अपने ज़ाहरी उमूर को भी पाक करें। और फरमाया अपने दिल को खुला रखें और अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल्इस्लाम, जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे अल्लाह ताला उसका सीना खोल देते हैं। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो अंजाम हो सकता है,
लोगों को उससे आगाह करना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी उसका इंजाम क्या होगा। और उनसे एक दाई के लिए ज़रूरी है कि उनको बताएं ये अमाल करने के हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जालिमों वाला होगा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। और फिर फरमाया कि शैतान के जो काम है, शैतान के जो खुतुआत हैं उसके पीछे नहीं चलना, और वो कुरान ने तफसील से ज़िक्र कर दिए कि ये शैतान का काम है और ये शैतान की आड़े हैं। और फिर ये फरीज़ा है एक दाई का कि वो लोगों को बताए कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वासे है, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। और उसका एक मज़हर ये है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिह, कि जो एक नेकी करता है उसको उसके बदले 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और रमज़ान में ये चीज़ है कि हदीस में आता है, फरमाते हैं वल हसनतु बिअश्र अमसालिह इला 700 ضعف। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने इसमें नेकियों की ऐसे फरावानी की होती है कि एक नेकी के बदले 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला अजर व सवाब दे सकते हैं इंसान की नियत और खलूस के तहत। तो ये अल्लाह ताला की जो रहमत है, एक दाई को चाहिए कि वो लोगों को बताए और लोगों को पता होना चाहिए। और फिर ये कि दावत का मकसद वो ये होना चाहिए, ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून, लोग समझें उसको, लोग नसीहत हासिल करें और तकवा हासिल करें। और फिर ये कि हर चीज़, हर इबादत अल्लाह ताला के लिए ख़ास होनी चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। और तकब्बुर, उससे परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि इबलीस ने किया था। उसका वाक़या आता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया और उनके साथ इबलीस भी था कि इन्हें सजदा किया जाए, तो इबलीस ने इनकार किया और कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। तो ये उसका अपना कयास था कि मैं आला हूँ, अपनी एक सोच थी, तकब्बुर था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तकब्बुर शैतान की सिफत है। एक इंसान और ख़ासकर जो दाई है उसमें तकब्बुर का अंसर नहीं होना चाहिए। और फिर ये कि शैतान की वो जो दुश्मनी थी कि जब अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया तो उसने कहा कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, जब अल्लाह की तरफ से मोहलत मिली तो कहता है कि अब मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, उसके दाएं तरफ से भी, बाएं तरफ से भी, सामने से भी और पीछे से भी। तो ये शैतान का अल्लाह से वादा है और ये चीज़ ज़ाहिर है कि उसने इस वादे की पासदारी बड़ी अच्छी तरह की है, वो इस काम में सुबह शाम लगा हुआ है। फिर एक दाई को इस बात की भी दावत देनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार ये इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि जब उनसे गलती हुई, जन्नत से निकाल दिए गए, तो उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला का इनाम हुआ था और अल्लाह ताला ने ज़मीन में खलीफा बनाकर भेजा था, उनको ज़मीन की हुक्मरानी दी थी, ये भी एक नामत थी। लेकिन वो उसकी वजह क्या थी, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, या अल्लाह हमने तो ज़ुल्म कर लिया अपनी जानों पर, लेकिन तू मग़फ़रत करने वाला है, रहम करने वाला है। और फिर एक दाई को आम आवाम में आदाब फैलाने चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये आदाब
फलां चीज़ के लिए और ये आदाब फलां चीज़ के लिए बयान किए हैं, जिनमें से या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि हर नमाज से पहले जीनत इख्तियार करनी चाहिए और फिर जहन्नम की आग से डराना चाहिए। एक दाई लोगों को जहन्नम के बारे में बताए कि उसका क्या अजाब है और उससे डरना चाहिए, जैसा कि एक आयत में आता है किसी आठवें पारे में, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग का बिस्तर होगा, वो मिन फौकिहिम गवाश, और सिर्फ बिस्तर ही नहीं उनके ऊपर जो लिहाफ होगा वो भी आग का होगा, और ये जालिमों का ठिकाना होगा। और फिर सिर्फ जहन्नम ही नहीं बल्कि उनको जन्नत की बहारें भी बतानी चाहिए, कि सिर्फ जहन्नम ही नहीं बल्कि ये आमाल करोगे, अल्लाह ताला की इताअत करोगे तो जन्नत मिलेगी, और जन्नत ऐसी जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। और फिर दुआ की तलकीन करें, पिछली कौमों के किस्से बताए कि पिछली कौमों ने जब नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनका इंजाम क्या किया, अल्लाह ताला ने कैसे उनको दुनिया में ही तबाह बर्बाद करके रख दी। तो ये बुनियादी वो चीज़ें थी कि जो हर आम इंसान को भी और ख़ास कर दाई को मलहूज़ ख़ातिर भी रखनी है और लोगों तक पहुँचानी भी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।